मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है। उज्जैन दक्षिण से विधायक डॉक्टर मोहन यादव एमपी के अगले मुख्यमंत्री चुने गए हैं। सोमवार को हुई विधायक मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने काफी संघर्ष के बाद राजनीति में यह मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर मोहन यादव को मंत्री पद तक पहुंचने के लिए लगभग 41 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था। अब उन्हें एमपी का मुख्यमंत्री बनाया गया है। माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले डॉक्टर यादव को पार्टी में कई पदों पर रहने के बाद मंत्री बनने का मौका मिला है। कई बार अपने बयानों को लेकर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में रहे डॉक्टर यादव वर्ष 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उज्जैन शहर में जैन ब्राह्मण ठाकुर बैरवा समाज की तुलना यादव समाज की आबादी काफी कम है। इसके बावजूद महत्वपूर्ण पदों पर यादव समाज के प्रत्याशी काबिज हैं। दक्षिण उज्जैन की बड़नगर सीट से यादव समाज के शांतिलाल दवाई दो बार विधायक रह चुके हैं। शांतिलाल दवाई का टिकट कटा तो उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव ने जीत दर्ज की। मोहन यादव तीन बार विधायक रह चुके हैं जबकि उनकी बड़ी बहन कलावती यादव उज्जैन नगर निगम की सभापति हैं। डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनका जन्म 25 मार्च 1965 को हुआ। पिता का नाम पूनम चंद यादव है। मोहन यादव के दो बेटे और एक बेटी है। मोहन यादव की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने एमबीए एलएलबी के साथ पीएचडी भी की है। साथ ही उनका परिवार कारोबार और कृषि क्षेत्र से भी जुड़ा है।